أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم سورہ رعد ترجمہ تفسیر چوتھا رکوع اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا اور کافر کہتے ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے کہ وہ آیاتیں اور چمتکار اترنے کے بعد بھی یہ کہتا رہتا ہے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری کوئی چمتکار کیوں نہیں آیا انیک چمتکاروں کے باوجود گمراہ رہتا ہے اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے اس کی رحمت اور فضل اور اس کے احسان اور کرم یاد کر کے بیقرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اگرچہ اس کے انصاف اور پرکوپ کی یاد دلوں کو ڈرا دیتی ہے جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم یعنی ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں سورہ انفال آیت 2 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ مسلمان جب اللہ کا نام لے کر قسم کھات ہے دوسرے مسلمان اس پر یقین کر لیتے ہیں اور ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے
वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनको खुशी है और अच्छा अंजाम। तूबा बशारत है, राहत व नेमत और खुशी और खुशहाली की। सईद बिन जुबेर रदी अल्लाहो अन्हो ने कहा कि तूबा हबशी जबान में जन्नत का नाम है। हजरत अबू हुरैरा और दूसरे सहाबा से रिवायत है कि तूबा जन्नत के एक दरख्त का नाम है जिसका साया हर जन्नत में पहुँचेगा। यह दरख्त जन्नते अदन में है और इसकी असली जड़ सईदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदल्द मकान में, इसकी शाखें जन्नत के हर घर हर महल में। इसमें स्याही को छोड़कर हर किस्म के रंग खुशनुमाया हैं, हर तरह के फल और मेवे इसमें फलते हैं। इसकी जड़ से काफूर और सलसबील की नहरें जारी हैं। इसी तरह हमने तुमको इस उम्मत में भेजा जिससे पहले उम्मतें हो गुजरी, तो तुम्हारी उम्मत सबसे पिछली उम्मत है और तुम नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाले हो। तुम्हें बड़ी शान से नबुव्वत अता की कि तुम उन्हें पढ़कर सुनाओ वह महान किताब जो हमने तुम्हारी तरफ वही देववाणी की, और वो रहमान के इनकारी हो रहे हैं। कतादा और मकातिल वगैरह का कौल है कि आयत सुलह हुदैबिया में उतरी, जिसका संक्षिप्त वाकिया यह है कि सुहैल बिन अम्र जब सुलह के लिए आया और सुलहनामा लिखने पर सहमति हो गई तो सईदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाहो अन्हो से फरमाया, लिखो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफिरों ने इसमें झगड़ा किया और कहा कि आप हमारे तरीके के अनुसार बिस्मिकल्लाहुमा लिखवाइए। इसके बारे में आयत में इरशाद होता है कि वह रहमान के इनकारी हो रहे हैं। तुम फरमाओ वह मेरा रब है, उसके सिवा किसी की बंदगी नहीं, मैंने उसी पर भरोसा किया और उसी की तरफ मेरी रुजू है। और अगर कोई ऐसा कुरान आता जिससे पहाड़ टल जाते अपनी जगह से या जमीन फट जाती या मुर्दे बातें करते, जब भी ये काफिर न मानते। कुरैश के काफिरों ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अगर आप चाहें कि हम आपकी नबुव्वत माने और आपका अनुकरण करें तो आप कुरान पढ़कर इसकी तासीर से मक्का के पहाड़ हटा दीजिए ताकि हमें खेतियां करने के लिए विस्तृत मैदान मिल जाएं, और जमीन फाड़कर चश्मे जारी कीजिए ताकि हम खेतों और बागों को उनसे सींच सकें, और कुसई बिन क्लाब वगैरह हमारे मरे हुए बाप दादा को जिंदा कर दीजिए, वह हमसे कह जाएं कि आप नबी हैं। इसके जवाब में आयत उतरी और बता दिया गया कि हीले हवाले करने वाले किसी हाल में भी ईमान लाने वाले नहीं, बल्कि सब काम अल्लाह ही के इख्तियार में है। तो ईमान वही लाएगा जिसको अल्लाह चाहे और तौफीक दे, उसके सिवा और कोई ईमान लाने वाला नहीं, अगरचे उन्हें वही निशान दिखा दिए जाएं जो वो तलब करें। तो क्या मुसलमान इससे नाउम्मीद न हुए, यानी काफिरों के ईमान लाने से चाहे उन्हें कितनी ही निशानियां दिखला दी जाएं, और क्या मुसलमानों को इसका यकीनी इल्म नहीं कि अल्लाह चाहता तो सब आदमियों को हिदायत कर देता बगैर किसी निशानी के, लेकिन वह जो चाहता है और वही हिकमत है। यह जवाब है उन मुसलमानों का जिन्होंने काफिरों के नई नई निशानियां तलब करने पर यह चाहा था कि जो काफिर भी कोई निशानी तलब करे वही उसको दिखा दी जाए। इसमें उन्हें बता दिया गया कि जब जबरदस्त निशान आ चुके और शक और वहम की सारी हदें बंद कर दी गईं, दीन की सच्चाई चमकते दिन से ज्यादा जाहिर हो चुकी, इन खुले प्रमाणों के बावजूद लोग मुकर गए सच्चाई को न माना, जाहिर हो गया कि वह दुश्मनी पर तुले हैं और दुश्मन किसी दलील से भी नहीं माना नहीं करता, तो मुसलमानों को अब उनसे सच्चाई स्वीकार करने की क्या उम्मीद। क्या अब तक उनकी दुश्मनी देखकर और खुली और जाहिर से निशानियों से उनके मुंह फेर लेने को देखकर भी उनसे सच्चाई के कबूल करने की उम्मीद की जा सकती है। अलबत्ता अब उनके ईमान लाने और मान जाने की यही सूरत है कि अल्लाह ताला उन्हें मजबूर करे और उनका इख्तियार छीन ले। इस तरह की हिदायत चाहता तो तमाम आदमियों को हिदायत फरमा देता और कोई काफिर न रहता, मगर आजमाइश और मुसीबतों से गुजरने की हिकमत का यह तकाजा नहीं, और काफिरों को हमेशा उनके किए की सख्त धमक पहुंचती रहेगी, यानी वो इस झुठलाने और दुश्मनी के कारण तरह तरह के हादसों और मुसीबतों और आफतों और बलाओं में जकड़े रहेंगे, कभी कहत में, कभी लुटने में, कभी मारे जाने में, कभी कैद में, या उनके घरों के नजदीक उतरेगी और उनकी बेचैनी और परेशानी का कारण होगा और उन तक मुसीबतों के नुकसान पहुंचेंगे, यहां तक कि अल्लाह का वादा आए, अल्लाह की तरफ से फतह और मदद आए
और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका दीन गालिब हो और मक्का मुकर्रमा फतह किया जाए। कुछ मुफस्सिरों ने कहा कि इस वादे से रोजे कयामत का दिन मुराद है जिसमें कर्मों का बदला दिया जाएगा। बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। इसके बाद अल्लाह ताला रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली फरमाता है कि इस किस्म के बेहुदा सवाल हंसी ठट्ठे से आप दुखी न हो, क्योंकि हादियों को हमेशा ऐसे वाकियात पेश आया ही करते हैं। चुनाचे इरशाद फरमाया है, अल्लाह अज्जब जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जब जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे, और क्या पता यही आपके और मेरे हम सभी के बख्शिश का जरिया बन जाए। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।